आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में हम आपको सीलिंग फैन की टेस्टिंग करना सिखाएंगे और सीलिंग फैन के कनेक्शन करना सिखाएंगे कि सीलिंग फैन का कनेक्शन कैसे होता है, सीलिंग फैन में रेगुलेटर किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो आज के प्रैक्टिकल में हम सीलिंग फैन के बारे में बात करें। तो पहले देखते हैं अपने सीलिंग फैन के कुछ भाग होते हैं। सीलिंग फैन का ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं स्टेटर। स्टेटर पर वाइंडिंग की जाती है और इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक तो स्टार्टिंग और एक रनिंग। जो अंदर की वाइंडिंग है इसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो बाहर वाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग। और वाइंडिंग स्थापित करने के लिए इसमें जो ये जीरियां कटी होती हैं इसको बोलते हैं सलोट। क्या बोलते हैं? सलोट बोलते हैं। यह होता है स्टेटर साफ और यह होता है इसका कवर और यह होता है इसका रोटर। अंदर वाला ये भाग तो रोटर और यह होता है इसका कवर जिसको बॉडी बोलते हैं हम, और यह हो गया स्टेटर। अब सीलिंग फैन में जो कंपनी से जो फिट फैन आता है उसमें तीन वायर निकले होते हैं बाहर। ये कंपनी फिटेड फैन है, इसमें तीन वायर निकले हुए और अपन जो रिवाइंडिंग करवाते हैं वहां लगभग पंखों में क्या करते हैं चार वायर निकाल देते हैं। तो आपको कनेक्शन करना आना चाहिए कि तीन टर्मिनल वाले जो पंखा होता है उसमें कौन सा कॉमन होगा, कौन सा कैपेसिटर का वायर होगा, कौन से के अंदर सप्लाई देनी अपने। और ये चार वाला भी आपको दिखाएंगे और तीन वाला भी कनेक्शन चेक करके दिखाएंगे। पहले तो आपको क्या करना है, इस जो तीन तार निकलते हैं जिस फैन में उसकी टेस्टिंग करना आना चाहिए और वो सीखना आपको। इसकी टेस्टिंग अपन दो प्रकार से कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं और सीरीज टेस्ट लैंप से भी कर सकते हैं। पहले आपको सीरीज टेस्ट लैंप से करना सिखाएंगे उसके बाद में मल्टीमीटर से। पहला परीक्षण तो आपको करना होगा कि सीरीज टेस्ट लैंप सही है या खराब। अपना सीरीज टेस्ट लैंप के दोनों वायरों को आपस में टच करना और अगर लैंप जल रहा है तो सीरीज लैंप आपका कार्य कर रहा है। उसके बाद में प्रत्येक वायर, तीन वायर निकले हुए हैं सीलिंग फैन में, प्रत्येक के साथ बॉडी टेस्ट देखना है, बॉडी अर्थ देखना है इसका। अगर अंदर से कोई वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो या वाइंडिंग का पीवीसी उतर गया हो जिस पर वार्निश डलता है, वो वार्निश उतर जाता है तो बॉडी टच हो जाता है। तो पहले तो अपन करेंगे इसकी बॉडी अर्थिंग टेस्ट। अब किसी भी वायर में लैंप नहीं जल रहा तो इसका मतलब ये बॉडी अर्थ नहीं है। अब इसमें एक तो होता है कॉमन वायर और दो होते हैं कैपेसिटर के वायर, और दो कैपेसिटर के वायरों में एक के अंदर सप्लाई का तार संयोजित किया जाता है। अब अपन बारी बारी से देखेंगे। इसमें एक नंबर लेंगे येलो कलर का, उस दूसरा लेंगे रेड कलर का, लैंप डिम जल रहा है। दूसरा लेंगे येलो और ब्लैक, इसमें बिल्कुल ही कम जल रहा है। फिर रेड और ब्लैक, मीडियम जल रहा है लैंप, रेड और येलो इसमें भी मीडियम जल रहा है, इन दोनों वायरों में भी क्या जल रहा है मीडियम जल रहा है और इसमें भी क्या जल रहा है मीडियम जल रहा है। तो मीडियम जल रहा है ना, जिस वायर के साथ मीडियम बल्ब जलता है, अब ये रेड वायर है इसमें भी मीडियम जल रहा है और इन दोनों में। एक वायर अपन किससे कनेक्ट किया, रेड वायर से येलो में लगाएंगे तो भी मीडियम जल रहा है और ब्लैक में भी मीडियम जल रहा है। अब रेड वायर का काम हट गया। अब देखो येलो और ब्लैक, इन दोनों में लैंप बिल्कुल ही कम जल रहा है। तो कहने का मतलब जिन दो वायरों में लैंप बिल्कुल कम जले वो कैपेसिटर के वायर होंगे। किसके होंगे? कैपेसिटर के वायर होंगे। और जो ये जिसके साथ दोनों बल्ब मीडियम जल रहे हैं ये होगा कॉमन वायर, ये होगा कॉमन वायर। अभी रेड वाला कॉमन है, इस रेड वाले वायर के साथ इन दोनों वायरों में क्या लैंप, लैंप मीडियम जल रहा है। अब मीडियम तो जल रहा है लेकिन इसके साथ जिस
वायर में लैंप कम जले, दोनों की तुलना करनी है आपको। अब देखो रेड और येलो और रेड और ब्लैक कौन से में जल रहे हैं? नहीं, इन दोनों में भी कम और ज्यादा का पता लगाना है, इसमें और इसमें। लैंप से पता नहीं लग रहा, लगभग बराबर से दिख रहा है लैंप। जिसमें कम जलेगा आपको पता लग जाए इन दोनों वायरों में, एक तो कॉमन के साथ लेंगे ये वायर, दूसरा ये वायर, जिसमें कम जले वो रनिंग वाइंडिंग का होगा। तो एक तो सप्लाई का तार देना है अपने को रेड में, दूसरा रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग की तुलना में। अब इस लैंप से आपको पता नहीं चल रहा है तो अपने पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से देखेंगे। पहले लगाते हैं रेड वायर और येलो वायर में, इसका रेजिस्टेंस देखना। इधर लेके आओ कैमरा, पहले लगाते हैं अपन कॉमन वायर और एक येलो, कितना रेजिस्टेंस आ रहा है? 272 आ रहा है ना। अब कॉमन के साथ दूसरा लेंगे ब्लैक वायर, इसका रेजिस्टेंस देखो 184 है ना। हाँ रेजिस्टेंस इसमें मापे गए, नहीं नहीं यहाँ किलो में आ जाएगा, रेजिस्टेंस यही 184 आ गया ना। तो इधर देखो, इधर दिखाओ पंखे की तरफ, ये जो वायर है इसमें तो 184 आ रहा है और इसमें 272 आ रहा है। तो इसमें जो ये येलो कलर का, इसमें प्रतिरोध ज्यादा है, तो ये रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल होगा। अब देखो दोनों कैपेसिटर वायर आपके पास हैं, इनका प्रतिरोध दोनों का जुड़ जाएगा, दोनों वाइंडिंग सीरीज में हो जाएंगी। इसमें कितना आ गया? 418। तो ये तो दोनों कौन से वायर हैं? कैपेसिटर के, और ये है कॉमन। अब आपको कॉमन में केवल फेज वायर लगाना है, और जो ये दो वायर निकल रहे हैं, कॉमन वायर कहां से निकलता है? सर्किट डायग्राम में बताता हूं मैं आपको। सीलिंग फैन में दो वाइंडिंग होती हैं, एक तो होती है रनिंग वाइंडिंग और दूसरी होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग में रनिंग वाइंडिंग की तुलना में 20 से 30 टर्न पर कॉइल कम होते हैं, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। अब ये दोनों वाइंडिंग है, इसमें ये मान लेते हैं फर्स्ट वाइंडिंग का फर्स्ट सिरा और ये सेकंड सिरा, इसका फर्स्ट और ये सेकंड सिरा, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो। अब या तो फर्स्ट फर्स्ट को कॉमन करो या सेकंड सेकंड को। अब फर्स्ट फर्स्ट वायर दोनों को क्या कर देते हैं अपन? कॉमन, ये तो निकाल देते हैं कॉमन वायर, और ये दोनों वायर निकाल देते हैं अलग अलग। सेकंड दोनों वाइंडिंग के सेकंड सेकंड वायर क्या निकाल दिए? अलग अलग। अब इन दोनों वाइंडिंगों का प्रतिरोध मापोगे तो ये दोनों वाइंडिंग क्या हो जाएंगी? सीरीज में हो जाएंगी। तो इसका तो कितना आ रहा था? 418। अगर कॉमन के साथ केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध मापेंगे तो इसका प्रतिरोध कितना आ रहा है? 184। एक कॉमन और एक रनिंग के साथ इसका प्रतिरोध मापेंगे तो इसका आ रहा 272। अब ज्यादा प्रतिरोध कौन सा हुआ? रनिंग का हुआ, और कम हो गया, और दोनों का मापेंगे तो कितना आ गया? जिसमें 418 आ रहा है, ये दोनों क्या है? कैपेसिटर के। इसके बीच में क्या करना है आपको? कैपेसिटर संयोजित करना है। ये कैपेसिटर हो गया संयोजित। अब आपके पास एक फेज वायर है, दूसरा न्यूट्रल वायर। फेज वायर तो दे देंगे कॉमन को, और न्यूट्रल वायर जोड़ देंगे रनिंग। ये तो है तीन वायर वाले पंखे की विशेषता। अब ये पंखा क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा, आ गई बात समझ? और चार वायर वाला क्या होता है सिस्टम? उसमें भी दो वाइंडिंग है, और दोनों वाइंडिंगों का क्या होता है? चारों टर्मिनली बाहर निकाल देते हैं। यहां से अपने को क्या करना पड़ेगा? कॉमन करना पड़ेगा, और उसको तो देंगे फेज, और इन दोनों में कैपेसिटर लगाएंगे, और कैपेसिटर के साथ जो रनिंग वाइंडिंग है उसमें क्या करेंगे? न्यूट्रल जोड़ देंगे। आ गई बात समझ में? अब ये मान लो
ये यहां नहीं जोड़, यहां जोड़ दिया, स्टार्टिंग में जोड़ दिया, तो पंखा क्या करेगा, उल्टा घूमेगा, एंटी क्लॉक है। नहीं नहीं, ये रनिंग में क्लॉकवाइज चलना चाहिए, उल्टा चलना चाहिए रनिंग में। अब आपने रनिंग में लगा दिया और फिर भी पंखा उल्टा चल रहा है, तो क्या कारण है? ये जो कॉमन वायर है ये चेंज हो गए, एक तो ले लिया आपने फर्स्ट, दूसरा ले लिया सेकंड, तो ये क्या करेंगे, ये सेकंड ले लिया, इस सेकंड को तो क्या करेंगे उधर लगाएंगे और इस वायर को क्या करेंगे कॉमन करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये रनिंग वाइंडिंग के दो टर्मिनल है और रनिंग पर ही पंखा चलना चाहिए, ठीक है। और कारणवश आपने जोड़ दिए, दो कॉमन कर दिए दोनों वायर, अब ये पता नहीं ये फर्स्ट है एक सेकंड है, तो रनिंग का तो पता है ना आपको कि ये वायर रनिंग का है, तो रनिंग के साथ क्या चलना चाहिए पंखा, क्लॉकवाइज दिशा में चलना चाहिए। तो ये जो स्टार्टिंग के चेंज कर दो या रनिंग के जो कॉमन वायर है ना, एक वायर उसका चेंज कर देना है। आ गई बात समझ में? अभी यहां फेज देंगे या न्यूट्रल देंगे तो पंखा क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा। और कोई डाउट? ये मोटर कौन सी होती है सीलिंग फैन में? परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है। आगे सर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ये स्टार्टिंग के समय भी कार्य करता है कैपेसिटर और रनिंग के समय भी। कैपेसिटर का काम होता है फेज को डिवाइड करना, एक फेज ये दोनों कॉइल में कैसे जाएगा, कैपेसिटर के माध्यम से तो कर रहा है, और दूसरा इसका पावर फैक्टर बढ़ाना, इसका पावर फैक्टर बढ़ाना। क्या होता है, एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी आती है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, अब ये जीरो से स्टार्ट होगी या अधिकतम पीक वैल्यू, अधिकतम मान है इसका, ये मान वापिस यहां आएगा, जीरो होगा, ये वापिस यहां अधिकतम हो जाएगा, ये वापिस एक बार पॉजिटिव और एक बार एक, तो यहां अधिकतम मान है, यहां अधिकतम मान है, इस गैप को ये मेंटेन करता है कैपेसिटर कुछ समय के लिए, जब फ्रीक्वेंसी अधिकतम मान तक पहुंचती है उस समय कैपेसिटर क्या होता है, सप्लाई देता है, तभी तो पंखा लगातार रोटेट करता है। और दूसरा काम क्या होगा इसका, फेज को विभाजित करना, हाँ दो फेज में, एक फेज को क्या कर दिया, इस फेज में भी डिवाइड कर दिया। हमेशा कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सरणी क्रम में जुड़ता है, क्या जुड़ता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सरणी क्रम में जुड़ता है। अब ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सरणी क्रम में हो गया ना, ये रनिंग वाइंडिंग हो गई और ये स्टार्टिंग के सरणी में जुड़ गया। अब सीलिंग फैन के साथ आपको रेगुलेटर भी कनेक्ट करना है, तो उसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, ये मान लो आपके पास सीलिंग फैन है, इससे कितने वायर निकलते हैं, दो निकलते हैं, फेज और न्यूट्रल। ये आपके पास स्विच है एक, और एक लगा दिया रेगुलेटर, ये है रेगुलेटर, इससे दो वायर निकलेंगे रेगुलेटर से, निकलते हैं ना, और स्विच में दो टर्मिनल पॉइंट होते हैं, एक नीचे वाला पॉइंट में क्या देना आपको, फेज देना, ऊपर वाले पॉइंट से निकालना है और इस रेगुलेटर से एक वायर को जोड़ना है, दूसरा वायर रेगुलेटर का लेंगे और सीलिंग फैन के कॉमन में दे देंगे। अब सीलिंग फैन में एक वायर और बचा है, उसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे। अब ये जो रेगुलेटर जुड़ा हुआ है इसमें रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस के मान को कम और ज्यादा करके इसकी स्पीड को अपन नियंत्रित कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? या क्या करता है, करंट के मान को कम कर देता है, तो मैग्नेट इसमें कम बनती है तो पंखा भी कम ही घूमेगा, और इसका रेजिस्टेंस जीरो कर देंगे तो फुल करंट जाएगा और पंखा फुल रोटेट करेगा। चार वायर में चार वायर ऐसे निकलते हैं ना, अब इसमें वाइंडिंग टेस्ट कर लेनी है आपको, अब इसकी वाइंडिंग टूटी हुई है ना, अब ये फॉल्ट पंखा है, इसे फॉल्ट हो गया, जल गया ये पंखा, अब ये पंखा आप सीरीज टेस्ट लैंप से टेस्टिंग करोगे तो इसमें करंट आए, एक वायर लगाएंगे किसी भी वाइंडिंग पर और इसकी बॉडी टेस्ट करेंगे, नहीं जल रहा किसी में, किसी भी वायर में नहीं जल रहा ना, तो ये जला हुआ है, ये दिख रहा है भी अपने को और इसमें कंटिन्यूटी नहीं दर्शाएगा। अब इसका कनेक्शन किस प्रकार होता है, चार वायर निकलेंगे कि ये एक वाइंडिंग तो है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक है रनिंग वाइंडिंग, एक वायर लेंगे स्टार्टिंग का और एक लेंगे
रनिंग का दोनों को क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। और इस पंखे में कंपनी ने पहले ही कॉमन करके बाहर एक वायर निकाला है, इसमें एक ही निकाल। अब ये दो वायर बच गए आपके पास, इसमें क्या जोड़ना है, कैपेसिटर। कैपेसिटर लेके आओगे, उधर पड़ा है कैपेसिटर, जोड़ना आपको इन दोनों वायरों में। अब ये बड़ा वाला वायर मान लो आपके पास रनिंग का है, ये बड़ा रनिंग वाइंडिंग का है, तो एक तो रनिंग में जोड़ देंगे, दूसरा स्टार्टिंग में जोड़ देंगे। अब फैन क्लॉकवाइज दिशा में रनिंग वाइंडिंग पर एक कॉमन पर चलना चाहिए। आपको यह पता होगा कि बड़ा जो वायर निकल रहा है ये रनिंग वाइंडिंग का है, सेम कलर कोड है। आपको रनिंग और स्टार्टिंग का प्रतिरोध के अनुसार या टेस्ट लैंप से आप पता लगाना, उसके बाद में आपको दो सप्लाई के वायर देने, फेज और कैपेसिटर। अब ये पंखा अगर क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है तो आपका कनेक्शन सही है, अगर ये पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, आपने रनिंग वाइंडिंग में कनेक्शन तो कर दिया फिर भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो कॉमन वायर से एक वायर हटाओ। स्टार्टिंग का हटाना तो स्टार्टिंग का हटा दो, और ये कैपेसिटर के साथ जो स्टार्टिंग वायर जुड़ा है इसको तो यहां जोड़ दो, और कैपेसिटर वाले को कहां जोड़ना है, कॉमन में जोड़ना है, ये कॉमन में जुड़ गया। अब एक वायर कॉमन में देंगे एक रनिंग में देंगे, तो ये पंखा क्लॉकवाइज दिशा में घूमे। अब ये तीन तार वाला है, इसमें आप कॉमन का पता लगा लिया, और ये है दोनों कैपेसिटर के, इसमें जो येलो कलर का है ये कौन सा वायर है, रनिंग का, और ब्लैक वाला स्टार्टिंग का। पंखा कौन से वायर पे चलना चाहिए, रनिंग पर, तो एक तो ये कॉमन हो गया और एक ये येलो हो गया। अब येलो और ब्लैक के साथ तो लगाएंगे कैपेसिटर है, वो लेके वायर स्टेप कर दोनों। इन दोनों में क्या कर देंगे, अपने कैपेसिटर का संयोजन करेंगे। बड़ा वाला पेज कैसे लेना, अब आपको एक तो फेज वायर लेना है, फेज वायर तो कहां देना है, इसमें कॉमन में, और दूसरा रनिंग का कौन सा है, येलो कलर का, उसमें क्या देना है, यह है येलो कलर का। अब इसमें पेचकस लगाओ, और स्विच को ऑन करेंगे तो पंखा घूमने लग गया। अब देखो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। अब इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो, नीचे रखो, और जो रनिंग वाइंडिंग का तार है कैपेसिटर के साथ वहां से हटा देना है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। अब स्विच ऑन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गया, लेकिन आपको रनिंग वाइंडिंग पर चलाना है पंखे को, स्टार्टिंग पर नहीं चलाना। स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए पंखा जलने का खतरा रहता है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज तो अपने काम का नहीं, क्लॉकवाइज घुमाएंगे रनिंग वाइंडिंग पे करेंगे, तो इसको वापस मैं रनिंग वाइंडिंग पर कर देता हूं। अब आपको इसकी गति नियंत्रित करना हो, स्पीड को कंट्रोल करना हो, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक रेगुलेटर लगाना पड़ेगा। यह है फैन रेगुलेटर, इस फैन रेगुलेटर में दो वायर निकलते हैं, एक लेंगे अपन स्विच, क्या लेंगे स्विच, ये स्विच है, इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट में क्या देंगे अपन, फेज वायर, और फेज वायर के साथ क्या जोड़ देंगे अपन, रेगुलेटर। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में क्या जोड़ना है, रेगुलेटर। हाँ, अब ये आ गया रेगुलेटर का दूसरा वायर, ये जोड़ना फैन के कॉमन वायर से, तो ये रेगुलेटर है, ये सप्लाई के श्रेणी क्रम में हो गया,
इस फैन रेगुलेटर में है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। अब इसको अपन सप्लाई देंगे, सप्लाई को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो लाइन ये पंखा घूमने लग गया। अब इस रेगुलेटर के रेजिस्टेंस के मान को, रेगुलेटर को अपन घुमाएंगे तो पंखा कम घूमने लग जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो गया कम, हो गया ना। अब बढ़ाऊं इसकी स्पीड, रेगुलेटर से बढ़ गया। ये रेगुलेटर का कार्य है, इसी प्रकार आपको रेगुलेटर का संयोजन करना है। पंखे के कनेक्शन आ गया समझ में, चार वायर हो या तीन वायर, अब आसानी से आप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।